स्त्री गुणनफल एक स्केलर वैल्यू होती है जो किसी चतुष्फलक के आयतन को निरूपित करती है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरह से हम उस आयतन को ज्ञात करते हैं और अदिश त्रिगुणनफल का उपयोग करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। देखिए, मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं कि अदिश त्रिगुणनफल में यदि दो वेक्टर सेम हो जाते हैं, दो वेक्टर यदि सेम है तो अदिश त्रिगुणनफल का मान शून्य हो जाता है। हम देखेंगे यहां पर कि ए क्रॉस बी या ए क्रॉस सी तो कोई वेक्टर वैल्यू होती है, बट ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी और सी क्रॉस सी ये एक वेक्टर वैल्यू नहीं होती, स्केलर वैल्यू नहीं होती, यानी दैट इज स्केलर वैल्यू, इट्स वैल्यू बिकम्स जीरो। अब मैंने आपको बोला कि अदिश त्रिगुणनफल एक चतुष्फलक के आयतन को निरूपित करता है, चतुष्फलक का आयतन वो एक अदिश त्रिगुणनफल द्वारा निरूपित होता है। और वो किस तरह से होता है कि अदिश त्रिगुणनफल का 1/6 अदिश त्रिगुणनफल का 1/6 भाग किसी चतुष्फलक के आयतन को दर्शाता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट का जो पॉइंट है हमारे लिए वो है कि तीन असमांतर और अशून्य सदिशों के समतलीय यानी एक ही तल पर स्थित होने का प्रतिबंध क्या होता है। तो स्टूडेंट जरा देखिए, कि वो होता है कि जब किन्हीं तीन सदिशों का अदिश त्रिगुणनफल शून्य होता है तो वे तीनों सदिश समतलीय सदिश कहलाते हैं, को प्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। अब इसके बाद ये तो थे हमारे एक्सरसाइज 13.4 के पहले की थीम ये थी। अब मैं डायरेक्ट आपको 13.4 के डाउट नंबर फर्स्ट पे ले चलता हूँ। स्टूडेंट्स बुक खोलिए, और जो फर्स्ट हमारा डाउट है वो है, हमें प्रूव करना है कुछ वेक्टर्स जो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है इज इक्वल जीरो होता है। मैं फर्स्ट का फर्स्ट ही लेता हूं, उसमें लिखा है आई जे एंड के बट प्लस आई के एंड से, इसका वैल्यू जीरो होता है। मैं इसकी स्टूडेंट्स LHS को सोल्व करता हूं, आई जे के प्लस आई के जी, इसको हम अदिश त्रिगुणनफल की तरह देखते हैं तो उसका रिजल्ट यह आता है, और इसको देखते हैं तो इसका रिजल्ट यह आता है। हमें पता है को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी जे को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे,
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, इसका सेकंड हो जाएगा आराम से, फर्स्ट का सेकंड, बट सेकंड डाउट में हमें तीन वेक्टर गिवन है और उनका स्केलर प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। डाउट नंबर सेकंड की बात चल रही स्टूडेंट्स, वेक्टर ए इज गिवन टू अस दैट 2-3, 4 एंड वेक्टर बी हमें गिवन है 1-2-1 एंड वेक्टर सी इज ऑल्सो गिवन 3-1-2 1 इज नेगेटिव और हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ ए बी सी और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री वेक्टर्स। इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आता है वेक्टर ए रूट वेक्टर बी क्रॉस सी। इसको स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखना, पहले मैं इस वैल्यूज को यहाँ नोट कर देता हूँ थोड़ी देर तक, इसलिए बाहर लेता हूँ। ए बाहर है 2i का, -3 से एक है, +4 के एक है, डॉट बी क्रॉस सी बी आया i के +2j कैप -k कैप फिर क्रॉस 3i कैप -j कैप +2k कैप। तो स्टूडेंट्स इस तरह का जो हम त्रिगुणनफल ज्ञात करते हैं उसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म से भी ज्ञात कर सकते हैं, और वो कैसे होता है जरा आप देखिए। जो हमारा बाहर वेक्टर पड़ा है उसके जो दिक अनुपात, जो डायरेक्शन रेशियो है 2-3-4, इसका डायरेक्शन रेशियो 1-2-1, इसके डायरेक्शन रेशियो 3-1-2, उनको आप कंटिन्यूसली एक डिटरमिनेंट के रो और कॉलम में लिख दें, 1-2-1 and 3-1, और इस को कैलकुलेट कर ले वो इस अदिश त्रिगुणनफल का वैल्यू आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करें तो ये फर्स्ट हो गया, 2 बाहर आ गया, ब्रेसेस 4-1, 3 हो गया। इसका एड्रेस माइनस का होता है, इसका एड्रेस होता है 1-2, 1+2, 3 एड्रेस का सम ओड आता है तो उसके पहले माइनस का साइन लगता है, तो माइनस तो हो गया एड्रेस के अकॉर्डिंग, 1 माइनस उसके साथ पहले से पढ़ा था हो गया प्लस, 4-3 बाहर आ गया, ये गया देखना, ये गया और ये गया 2 और प्लस 3 क्यों, ये माइनस तो खुद है तो -3 बनाएगा। इनको तिरछा गुणा करके घटाते हैं, देखना 2 एकम 2 घटाना है, फिर 3 एकम 3 इसका माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आया आपके पास ये, यहाँ पर 2+3, 5 नेक्स्ट है +4 और ये गया और ये गया, फर्स्ट रो गई और थर्ड कॉलम गया, -1, -6 तो -7। इतनी बात आपको चित्र समझ में आ गई, ये हो गया 6+15 और -2 ये हो गया 21-7 इसका आंसर आ रहा है। कितना स्टूडेंट्स रिजल्ट आया -7। आगे देखिए स्टूडेंट हम बात करते हैं डाउट नंबर थर्ड, हमें तीन वेक्टर गिवन है, तीनों समतलीय है या नहीं ये चेक करना है, समतलीय होने के लिए हमें ए बी सी फाइंड आउट करना है, ये ज्ञात करना है। तरीका ये रहेगा सेम, ए के जो कंपोनेंट्स हैं वो फर्स्ट रो में जाएंगे, यानी ए के जो दिक अनुपात हैं वो फर्स्ट रो में, बी के सेकंड रो में, सी के थर्ड रो में, एक डिटरमिनेंट बना लेना और डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करना, इस
यदि इसका रिजल्ट जीरो आता है तो कह देना ए बी सी कोप्लेनर है, समतलीय है, और यदि इसका वैल्यू जीरो नहीं आता है तो कह देना ए बी सी कोप्लेनर नहीं है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हम डाउट नंबर फोर्थ। हमें लेमड़ा की वैल्यू पता करनी है और गिवन जो थ्री वेक्टर्स है वो कोप्लेनर है। इसका एक डाउट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मैं फोर्थ का फर्स्ट ले लेता हूं, उसमें तीन वेक्टर गिवन है। फर्स्ट है हमारे पास में टू माइनस वन प्लस टू माइनस वन प्लस वन। दूसरा जो वेक्टर है वो है हमारे पास स्टूडेंट्स वन टू माइनस थ्री, वन टू माइनस थ्री, और थर्ड है वो थ्री लेमड़ा प्लस फाइव, थ्री लेमड़ा प्लस फाइव। अब आप ये बिकॉज गिवन ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, आप कहेंगे गिवन ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, दिए गए तीनों सदिश समतलीय हैं। आप कहेंगे चूंकि तीनों सदिश समतलीय हैं तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी इसका अदिश त्रिगुणनफल जीरो होना चाहिए, ये जीरो होगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग वेक्टर ए बाहर आता है और बी और सी क्रॉस में अंदर चले जाते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया टू आई कैप माइनस ए कैप प्लस के कैप, रूट आएगा यहाँ का लिब्रेसिस आएगा, बी का वैल्यू है आई प्लस टू जी माइनस थ्री के क्रॉस, सी का वैल्यू है थ्री आई कैप प्लस लेमड़ा जे कैप प्लस फाइव के कैप बराबर सी। अब इसको हम वही डिटरमिनेंट फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी जो दिक अनुपात है जो बाहर है उसके दिक अनुपात को आप फर्स्ट रो में रख दें, अंदर के फर्स्ट को सेकंड रो में रख दें और अंदर के सेकंड को थर्ड रो में रख दें और डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आना चाहिए। इसको सोल्व करेंगे, आगे कर देता हूँ यहाँ, तो देखिए क्या आएगा, पहले दो आया कोष्टक में, दस प्लस के तीन लेमड़ा, इसका ये खुद माइनस का, एड्रेस माइनस का, प्लस का एक ये गया और ये गया, पांच प्लस नौ चौदह, प्लस बाहर को ना एक, ये गया और ये गया, लेमड़ा माइनस छह, लैम्डा माइनस छ, और बराबर क्या रखना है, बराबर रखना जीरो। ओके अब देखिए ये हो गया ट्वेंटी प्लस सिक्स लैम्डा प्लस फोर्टीन और माइनस लैम्डा माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। यहां पर नीचे थोड़ा देखिएगा, मैं इसको लीच करता हूं, जैसे तो हमारे पास वैल्यू बनती है फाइव लेमड़ा, सॉरी प्लस लेमड़ा था, सेवन लेमड़ा, और ये होगी वैल्यू हमारे पास में थर्टी फोर और ट्वेंटी एट, प्लस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू सिक्स, देयरफॉर लेमड़ा इज इक्वल माइनस ट्वेंटी एट बाई सेवन, देन द वैल्यू ऑफ लेमड़ा इज माइनस फोर। स्टूडेंट्स बोर्ड पे एक बार अच्छी तरह से देख लें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा सवाल।
क्या था कि जब हमें गिवन हो कि दिए गए तीन सदिश समतलीय हैं, तब स्टूडेंट्स क्या होता है कि उनका अदिश त्रिगुणनफल सदैव शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और वही थीम मैंने यहाँ पर यूज किए और लेमड़ा का वैल्यू फाइंड आउट किया -4। नेक्स्ट इसका सेकंड आप अच्छी तरह से कर लो कि इसी तरह से होना है। नेक्स्ट डाउट है स्टूडेंट्स, डाउट नंबर फिफ्थ है, हमें सिद्ध करना है कि निम्नलिखित चारों बिंदु समतलीय, चार बिंदु दे रखे। डाउट नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पॉइंट नंबर ए वो है -1, 4, 3 -1, 4, 3। दूसरा पॉइंट जो बी है, सॉरी -3 है, पर बी है वो है 3, 2, -5 3, 2, -5। और पॉइंट जो सी है वो है स्टूडेंट्स 3, 8, -3, 8, -5 एंड इट इज -3, 2, 1 -3, 2, 1। ये चारों पॉइंट समतलीय है या नहीं ये हमें सिद्ध करना। इस तरह के डाउट को सोल्व करने के पहले आपको थीम एक्सप्लेन करता हूं। इनमें से किसी एक पॉइंट को कांस्टेंट मान लेना, स्थिर मान लेना, और उसको स्थिर मान के बाकी तीनों के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना, और एक को स्थिर मानकर दिए गए तीन बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर आप फाइंड आउट करोगे तो वो तीन सदिश होंगे, और उन तीनों सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात करना, और यदि वो जीरो आ जाए तो वे चारों बिंदु समतलीय हैं वरना नहीं है। देखिए कैसे करता हूं, मैं लिखता हूं बिंदु ए को स्थिर मानते हुए शेष बिंदुओं के स्थिति सदिश क्रमशः है ए बी, इसको अपन वेक्टर ए से लिख दें, बी में से ए को माइनस करना है, बी में से ए को माइनस करना है तब ए बी पता चलेगा। इस तीन में से ये माइनस हुआ तो प्लस के चार हो जाएंगे, दो में से ये हुआ माइनस तो माइनस के दो जीरो हो जाएंगे, -5 में से -3 हुआ तो -2 ए हो जाएगा। फिर सदिश ए सी याद करेंगे, इसको हम सी नाम देंगे, ओके, ए बी को बी दे देंगे, चलिए और ए सी को सी दे देंगे। तो सी में से ए माइनस करना, -2ik + 4z कैप और -2k है। फिर हम ए डी पता करें, एक को स्थिर रखा और उसके सापेक्ष बचे हुए तीन के स्थिति सदिश ज्ञात कर रहे हैं। डी -3 में से -1 हुआ घटेगा तो -2 आया, दो में से चार गया तो -2 आ गया, और एक में से -3 गया तो +4k। अब क्या कहेंगे, प्राप्त तीनों
आंतरिक घूर्णन ज्ञात करने का, वो आया ए बी, ए सी और ए डी। दैट मीन्स बी सी और डी का अदिश त्रिक गुणनफल। और अदिश त्रिक गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं स्टूडेंट्स, कि हाँ इसे सोल्व करेंगे तो वेक्टर जो b है वो बाहर आ जाएगा और वेक्टर c और d क्रॉस में चले जाएंगे। इसे हम डिटरमिनेंट फॉर्म से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, आगे जो कम है तो मैं यही सोल्व करता हूँ इसको, तो b के जो कंपोनेंट्स हैं उनको बाहर लिखेंगे, 4i कैप माइनस 2j कैप 2k कैप इसके रूट, और फिर आएगा c, c है माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप क्रॉस माइनस 2 माइनस 2 4 माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k। थोड़ा सा इधर आपको दिख नहीं रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई, ये बाहर है और ये दोनों अंदर है। इनको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में डालेंगे तो सबके दिक अनुपातों को डिटरमिनेंट में लिख देंगे और उसी प्रकार उनकी रो चूज करेंगे जैसे वो लिखे गए, फर्स्ट फर्स्ट रो में, सेकंड सेकंड रो में, थर्ड थर्ड रो में, और इसे हम इवोल्यूट करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 4 बाहर रहेगा, फिर वहाँ जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं इधर लिखता हूँ, 4 बाहर रहेगा, ये से तिरछा गुणा के घटाते हैं तो ये 16 है और ये प्लस के 4 घटाएंगे तो 12 बच जाएंगे, ओके। फिर ये इसका एड्रेस माइनस का होता है, ये खुद माइनस का, तो 2 आ जाएगा और ये गया और ये गया, ये माइनस का 8 और ये माइनस का 4 तो माइनस के 12, ओके, माइनस का 8 और माइनस के 4। फिर देखो माइनस के 2 लेने पड़े हैं, ये गया और ये गया, ये प्लस के 4 और ये प्लस के 8, प्लस के 4 और प्लस के 8, तो प्लस के हो गए 12। देखिए स्टूडेंट्स ये हो गया 12 चौक 48, ये माइनस का 12 गुना 24, देखो ये 48 है, ये 24 है, ये 24 है, कितना है बताओ, 0 आता है। दिए गए चारों बिंदु समतली बिंदु हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अच्छी तरह से पढ़ें, मेहनत करें और पूरे चैप्टर का तैयारी करें।